नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिंपी कालरा। तो बाजार में लगातार 3 दिनों गिरावट के बाद आज है रिकवरी वाला दिन, और रिकवरी सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं है, भारतीय बाजारों को रिकवरी सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि ग्लोबल बाजारों का मूड भी ठीक है। आप देखेंगे तो आज फिर से निकेई में हमने बढ़िया रिबाउंड देखा, निचले स्तरों से अगर हम कहें 2 दिनों में ठीक ठाक रिकवरी आ चुकी है। और अगर हम यूरोप की बाजारों की बात करें वहाँ पर शुरुआत ठीक ठाक हुई है, 1.25% के आसपास की मजबूती है। अगर हम डाउ फ्यूचर्स की बात करें 250 अंक ऊपर है, लेकिन अगर भारतीय बाजारों में अगर आप देखेंगे तो दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बाजार ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी करीब करीब 300 अंक ऊपर है, 24,300 के आसपास है। हालांकि याद रखिए कि कल का जो ऊपरी स्तर है वो है 24,380 के आसपास का, उससे अभी बाजार नीचे ही आपको दिखेंगे। बैंक निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा का उछाल है, बैंक निफ्टी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, ये एक चिंता वाली बात जरूर है। लेकिन कुछ सेगमेंट्स जहां पर पहले तेजी हो रही थी, बीच में थोड़ी प्रॉफिट टेकेंगे, फिर से रफ्तार पकड़ते हुए दिख रहे हैं, वह है सरकारी कंपनियों का खेमा, मेटल, एनर्जी और केमिकल, जमकर खरीदारी हो रही है। कुछ कुछ शेयर तो अपर सर्किट लगा रहे हैं, जैसे कि बासफ के शेयर में आप जोरदार तेजी देखेंगे। इसके अलावा एक और मल्टीनेशनल कंपनी है कमिंस, उसके शेयर में आज हम बढ़िया 7% के आसपास की तेजी देख रहे हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप वहां पर भी रौनक है, और इंडेक्स की बात करें तो वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं आज फ्रंटलाइन इंडेक्स को, 2% के आसपास की तेजी इन दोनों के दोनों इंडेक्स में देखने को मिल रही है। तो ये बाजार की तस्वीर। लेकिन अगले 1 घंटे में शो हम क्या खास करने वाले हैं, जरा ये भी देख लीजिए, उसके बाद फटाफट आपके लिए हम निफ्टी की रणनीति लेकर आएंगे। तो ऑप्शंस के चैंपियन होगा 2:40 पर, उसके पहले क्लोजिंग ट्रेड होंगे 2:35 पर, मार्केट एट 3:00 और हमारा खास सेगमेंट होगा खबर गर्म है 3:05 पर, 3:15 पर BTST और STBT ट्रेड्स होंगे, और इवेंट्स टू वॉच की बात तो 3:20 पर हम इवेंट्स टू वॉच आपके लिए लेकर आएंगे। तो पूरा का पूरा अगला 1 घंटा एक्शन पैक्ड है, आपको डीलिंग रूप की खबर मिल जाएगी, आपको BTST STBT ट्रेड तो मिलेंगे, और अगले 1 घंटे तक फटाफट हम ढेर सारे ऐसे आपके लिए ब्रेकआउट वाले शेयर भी लेकर आएंगे। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन डिम्पी के साथ एक बार चर्चा ये कर लेते हैं कि बाजार में आज जो स्थिरता आई है, क्या इसके टिकने के संकेत वायदा बाजार के आंकड़ों से मिल रहे हैं? डिम्पी, कल के हाई से बाजार अभी भी नीचे है, लेकिन कल के सत्र में और आज के सत्र में परिवर्तन ये है कि आज ग्लोबली माहौल ठीक है, मान के चले कि मतलब जो भी डिस्ट्रप्शन होना था वो हो गया, या फिर अभी दिक्कतें बाकी हैं? देखिए, कंफर्मेशन अभी नहीं आया, लेकिन हाँ पहले से स्थिति थोड़ा ठीक है। देखिए, कंफर्मेशन कैसे आएगा, कोई मार्केट में आदमी तो निकल के आएगा नहीं जो बोलेगा कि सब कुछ ठीक है। तो आपको लेवल से ही पता लगेगा, आपको सिचुएशन से ही पता लगेगा। लेवल्स हमने सुबह भी आपके सामने बात की, 2 लेवल्स आप ध्यान रखना, पहला 24,200, दूसरा 24,350-24,400। 24,200 पे आने पर आपको फील गुड आना चाहिए कि ठीक है, अब हमारी गिरावट रुक रही है, और 24,350-24,400 वाली रेंज के ऊपर जब आप क्लोज कर जाएंगे तो आप ये बात मान लीजिएगा खतरा टल चुका है। ये मैंने वर्ड सुबह इसी तरह से ही आपको नोटिस करवाए थे, और अगर आप अभी भी चेक कर रहे हैं तो 24,200 के ऊपर हम हैं, और उम्मीद करता हूँ कि क्लोजिंग भी मिल जाएगी। तो फिलहाल आप मोटे तौर पर ये तो मान लीजिए कि एक लेयर की प्रोटेक्शन आपके पास आ गई है कि अब आप आपकी शायद गिरावट नहीं आए, लेकिन क्या खतरा टल गया है इसको लेकर अभी मैं नहीं कह सकता, ये बहुत साफ साफ है। और ये अगर जो कह भी रहा है तो उसकी अपनी हिम्मत है, उसका अपना तरीका हो सकता है, बट मेरे पास वो तरीका नहीं है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के साथ क्या हो रहा है, अभी भी स्ट्रगल हो रहा है। और आज आपको बताऊं, बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी है, आज बुधवार का दिन है तो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी लगेगी। तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से आप देखो, आज बैंक निफ्टी वापस से रिकवर भी कर रहा है, 50,000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। इसके लिए 50,000 पाना कोई बड़ी बात नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि 50,800 तक तो वैसे ही जा सकता है, जो एक छोटा मोटा पुल बैक भी काउंट होगा। तो 800 पॉइंट तो भी उसको और चलना है, सिर्फ अपने इस डर को बाहर निकालने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये 1,000 पॉइंट की रेंज है, बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ आपके सामने सारी बात, 49,800 से लेके 50,800 तक, यानी कि इस 1,000 पॉइंट में इसी में ही पुल बैक आएगा, इसी में ही आप हाई बनता हुआ देखेंगे, इसी में ही आप जो भी बनना है आप देख लो। लेकिन जैसे ही 50,800 पार होगा आपके पास ड्रैगिंग पावर आ जाएगी, आप मार्केट में कवरिंग करना शुरू कर दोगे, और बहुत स्पीड से भी हो सकती है। लेकिन जैसे 49,800 का वाला लेवल टूटेगा तो आप एक लो टेस्ट करने के लिए चले जाओगे, और वो देखते हैं क्या होगा उसका। तो इसलिए बहुत हद तक ग्लोबल मार्केट्स पे अभी भी आपके डिपेंडेंस है। अगर आज आप मेरे से पूछेंगे, तो मैंने सुबह भी आपको ये बात नोटिस कराया था कि आज हमको थोड़ा फील गुड ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअली में जो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जितनी तेज़ी हो रही है उसके
बैक्ड बाय बीओजे है, यानी कि बैंक ऑफ जापान का स्टेटमेंट है। इससे पहले जो भी आप पुल बैक देखते थे वो बिना स्टेटमेंट, बिना मैक्रो डाटा के होता था, तो आप क्या करते थे, थोड़ी बहुत कवरिंग पर ट्रस्ट करते रहे। एक्चुअली वो कवरिंग होती भी नहीं थी, वो अंदर खाने सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स हो रही होती। दो चीज़ें आपको और नोटिस करनी चाहिए आज। एक तो लीडरशिप आप देख रहे हो, कल HDFC टूट रहा था तो रिलायंस चल रहा था, फिर कभी L&T नीचे हो जाता, बट आज कंबाइंड लीडरशिप है। IT की है, TCS इन्फोसिस चेक कीजिए, बैंक की है HDFC चेक कीजिए, मार्केट में बड़ा प्लेयर रिलायंस उसकी चेक कर लीजिए, ज़्यादातर शेयर आपको हरण शाह में देखेंगे। तो तीन चार बड़ी चीज़ें होती हैं, पर आपके पास लीडर होना चाहिए, ग्लोबल मार्केट्स के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लिक्विडिटी ऑलरेडी बैक्ड हो आप। एक और पार्ट, कल ना पॉलिसी भी है, हालांकि पॉलिसी से हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ब्याज दरों में कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन इस समय वल्नरेबल सिचुएशन है। RBI गवर्नर कुछ भी पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव बोलेंगे तो 200-300 पॉइंट के लिए आपको तैयार रहना होगा। ये निफ्टी के भी हैं और ये बैंक निफ्टी के लिए भी 500 पॉइंट हो सकते हैं, तो इसलिए इवेंट से ठीक पहले मार्केट को आप थोड़ा इस तरीके से चेक करें। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और नोटिस कराता हूँ, सुबह इंडिया विक्स मैंने आपको नोटिस कराया था, जब जब भी विक्स मार्केट के अंदर सडन मूव्स आते हैं ना, विक्स को आप अपने लिस्ट में सबसे ऊपर रखा करो। आज आप देखो 13% विक्स टूटा है, सुबह 10% था और हमने आपको नोटिस भी कराया था, ये विक्स अगर नीचे की तरफ जाएगा तो मार्केट रुक जाएगा, अगर ये और बढ़ गया यानी कि गिरावट और बढ़ी तो मार्केट भी रिकवर करेगा। आज दिन भर में आप विक्स चेक कर लो, विक्स जैसे जैसे नीचे जा रहा है मार्केट वैसे वैसे ऊपर आ रहा है, यानी कि फियर इन द मार्केट कम हो रहा है। तो ये मोटा मोटी कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको सामने से नोटिस करवा दिए, आई होप कि आप इस पॉइंट्स का अच्छे से फ़ायदा उठाते भी होंगे, और हम भी कोशिश करते हैं कि जितनी मेहनत हम करके आपके सामने क्लियर विजन रख पाएं उतना हम रखें। जतिन कोडिया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, शिवांगी सारदा है, उनसे हम करेंगे बातचीत, ओशो कृष्णन आज काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं क्लोजिंग के कार्यक्रम में, उनसे भी बातचीत होगी एंजल ब्रोकिंग से। शिवांगी पहले आपके पास आते हैं, आपकी रीडिंग क्या है मार्केट्स को जरा जल्दी से आप वो बता दीजिए, गुड आफ्टरनून, और उसके बाद हम शेयर्स के सिलसिले को शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखा है कि मार्केट में जरूर एक थोड़ी सी पुल बैक मूव है, पर फॉलो अप ना होने के कारण यहाँ पे मोमेंटम जो है वो फिसल आउट होते हुए दिखा है। कल के हाई के 17 को भी हमने नहीं निकाला है, हालांकि एक लोअर जोन पे 24,150 का एक सपोर्ट है, वो सब काफी एक हद तक रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहा है मार्केट। तो पोजिशनली अगर हम बात करें तो 24,000 का एक क्रूशल सपोर्ट रहेगा और 24,500 पे काफी कॉल राइटर्स खड़े हैं, तो वहां पे एक हर्डल जोन बनते हुए दिखेगा। इस दायरे में कामकाज करने की रणनीति रहेगी, पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे बाजार में अगर हम देखें आज के पूरे सेशन में काफी चौपी रहा है, मार्केट रेंज बाउंड रहा है, तो सेल ऑन बाउंस या बाय ऑन डिक्लाइन दोनों ही रणनीति काफी ट्रिक हो गई है। ये कामकाज ना करे, कोई रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी के साथ हम प्ले आउट कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा है कि अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखा है, कल के सेशन के एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है बैंक निफ्टी भी, एंड 50,250 का एक इमीडिएट हर्डल है, उसको अगर सरपास करता है तो ही यहाँ पे एक बाइंग स्टांस बनते हुए दिखेगी। ठीक है, ये इंडेक्स पर पूरा आपके लिए कंप्लीट व्यू हो गया, निफ्टी बैंक है 50,045 के स्तर के आसपास। चलिए अब काम करते हैं कि जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ट्रेड के मौके कहाँ पर इस क्लोजिंग के घंटे में बन रहे हैं, और आगे वो भी ट्रेड्स जानेंगे जो आप कैरी ओवर कर पाएंगे, लेकिन पहले फिलहाल अभी के ट्रेड समझते हैं। शुरुआत ओशो आपसे करेंगे, नमस्कार, बताइए कौन से सौदे हैं आपके? वेरी गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी एट द शो। सबसे पहला मेरा जो रिकमेंडेशन है, दो रिकमेंडेशन है, दोनों बाई के तरफ के ही हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो आज बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर स्पेस पे, एंड उसमें अगर हम देखें तो आरती इंडस्ट्री में आज काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है, नियर अबाउट 4-4.5% ऊपर अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी भी मोमेंटम काफी अच्छा है, टेक्निकल रूप में एक ब्रेकआउट आया था, वापस से अपने नेकलाइन को रीटेस्ट करके टर्न अराउंड फैक्टर आया है, वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है। सो आरती इंडस्ट्री पे बाई का रिकमेंडेशन है 800 के टारगेट्स के लिए, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा कि आप 715 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। सेकेंड काउंटर जिसमें स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आ सकता है इज IEX। IEX में अगर हम देखें लास्ट वीक काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन आया था, वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आई थी, इस वीक थोड़ा सा फिजल आउट होते हुए दिखाई दिया है काउंटर, बट आज वापस से मोमेंटम काफी स्ट्रांगली पकड़ा है। सो IEX में बाई करने की रिकमेंडेशन रहेगी,
183 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड हायर लेवल्स पे नियरली 210 से 212 के रेंज हम आईएक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो शेयर आपके लिए होंगे। आरती इंडस्ट्रीज आज देखेंगे तो केमिकल में बहुत बढ़िया रिबाउंड हम देख रहे हैं और आईएक्स ये वो शेयर है जो डिम्पी ने आपको ब्रेकआउट शेयर के तहत नोटिस करके बताया था कि ये शेयर चलने के लिए तैयार है। और उसके बाद हम देखा था कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स थे उनका भी कन्विक्शन इस स्टॉक को लेकर आ रहा है। जतिन, आपके शेयर कौन से हैं? देखिए, हमारा जो व्यू है वो स्टॉक स्पेसिफिक है और हमें लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा एक रिकवरी का मोड आ सकता है। इसके लिए हम लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड्स रेकमेंड कर रहे हैं। जो पहला ट्रेड होगा वो कोरोमंडल इंटरनेशनल में होगा। तो रिसेंटली हमने जो भी ओवरऑल मार्केट्स में फॉल देखे हुए उसमें रिलेटिवली कोरोमंडल ज़्यादा गिरा नहीं है। स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है, रेंज में है। हमें लगता है आज के ट्रेडिंग सेशन में एक डिसाइसिव क्लोजिंग दे सकता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में अगर जो पुल बैक कंटिन्यू रहता है तो कोरोमंडल आउट परफॉर्म कर सकता है और एक ब्रेकआउट दे सकता है रेंज में से। तो कोरोमंडल में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1600 का और टारगेट रहेंगे 1694 के। जो सेकंड रिकमेंडेशन होगा वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे होगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने 20 वीक के एवरेज पे सपोर्ट पे आके एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आया है, 20 वीक का एवरेज पे सपोर्ट पे आया है। हमें लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है और अपसाइड अच्छी खासी मिल सकती है। इसके लिए HAL में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 4570 का और टारगेट रहेंगे 5000 के। ठीक है, एक बार आपको फिर से स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों शेयरों के बता देते हैं। अच्छा, ये दोनों के दोनों शेयर उसी स्पेस से हैं जहां पर हम देखने की रिकवरी आ रही है। एक शेयर आपके लिए हो गया केमिकल फर्टिलाइजर वाला कोरोमंडल और दूसरा हो गया PSU डिफेंस वाला, वो हो गया HAL। कोरोमंडल के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 1600 रुपये का, टारगेट 1694 रुपये का, और HAL के लिए जो टारगेट है वो है 5000 रुपये का। इसमें कोई दिक्कत नहीं है याद करने में और स्टॉप लॉस है 4570 रुपये का। ये दो शेयर हो गए जतिन जी की तरफ से। शिवांगी, आप अपने ट्रेड बताइए, आपका फोकस कहाँ पर है? फोकस है कंजम्पशन नाम में, मेरी जो पसंदीदा काउंटर है वो है बीका जी। यहाँ पे हमने देखा है स्टॉक जो है पोलैंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दे रहा है वीकली बेसिस में। इवन हमने देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पिछले 5 महीनों से कंसिस्टेंट यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। स्टॉक जो है अपने रिट्रेसमेंट लेवल से एग्जैक्टली 695 के आसपास सपोर्ट लेके वापस अब स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहा है। और पूरे इंडियन सेवरी स्नैक्स अगर हम पूरे स्पेस की बात करें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है वहां पे। तो यहाँ पे खरीदारी करें 810 के टारगेट्स के लिए 760 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, ये आपके लिए शेयर बीका जी, 810 के टारगेट, 760 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये कंजम्पशन से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की चीज है। आप देखिए अच्छी रफ्तार भी है इसमें शेयर में है और ये और ऊपर जाएगा। 810 रुपए तक का इसका टारगेट है, 760 रुपए का स्टॉप लॉस है। लेकिन बाजार में आज बहुत से ऐसे शेयर हैं जहां पर मतलब कमाल की तेजी है। अच्छा, वो छोटे मोटे स्टॉक्स नहीं है। आप देखिए ONGC ये करीब करीब 7% ऊपर है। आज ये निफ्टी का टॉप गेनर भी था। वायदा के टॉप गेनर्स को देखेंगे तो उसमें आपको UPA कमिंस चलते हुए दिखेगा। कमिंस में 7% के आसपास की तेजी है। तो ये तेजी क्यों बन रही है जरा ये समझते हैं। अपने सहयोगी होते हैं पूजा हमारे साथ हैं कमिंस के बारे में बताने के लिए। ONGC क्यों चल रहा है इसके बारे में जिन्हें नागर हमारे सहयोगी जानकारी देंगे, जिन्हें जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे सहयोगी अनुराग शाह भी हैं, उनसे भी एक बड़ी खबर लेंगे। लेकिन शुरुआत पूजा आपसे करेंगे, कमिंस में ये तेजी क्यों हो रही है, नतीजों में ऐसा क्या खास था जिसने ये इस तेजी को ट्रिगर किया है? जी, आज कमिंस के स्टॉक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक है 6% ऊपर। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते आज हम ये तेज़ी देख रहे हैं। कमिंस के नतीजे तो आई ही, जिसमें कि पहली तिमाही में मुनाफा 33% बढ़ा। कामकाजी मुनाफे में
37% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है और मार्जिन भी 15.4% से बढ़कर 20.3 पर पहुंच चुका है। कंपनी का मार्केट कैप भी अगर देखेंगे तो करीब 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा के करीब अब मार्केट कैप पहुंच चुका है। ग्लोबल पेरेंट की कमज़ोर गाइडेंस से शेयर नीचे आया था। अभी देखिए कंपनी के जो नतीजे हैं उसके चलते आज हम देख रहे हैं शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी की जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी इसमें भी काफ़ी सारे पॉजिटिव बयान आए हैं मैनेजमेंट की तरफ से। उनका कहना है कि FY25 में 10% से ज़्यादा रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। घरेलू मांग लगातार मजबूत रहने से नतीजे अच्छे आ रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। मुनाफे में तेजी की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 के लिए 13-14% ग्रोथ का लक्ष्य है। और इसके अलावा यूरोप समेत अन्य बाजार अभी भी सपाट हैं लेकिन इंफ्रा खर्च जारी रहने से आगे मजबूत ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। मैनेजमेंट कॉमेंट्री जो आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। नतीजे हम देख ही रहे हैं कि शानदार नंबर्स देखने को मिले और इसी वजह से आज कमिंस का शेयर ऊपर है। 6% की शानदार तेजी स्टॉक में आज देखने को मिल रही है। ठीक है पूजा, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। शिवांगी एक बार चेक करना कमिंस के शेयर को। जी बिल्कुल, यू नो कमिंस इंडिया की अगर हम यहाँ बात करें तो स्टॉक में एक अच्छी बैक मूव है, शॉर्ट कवरिंग मूव हम बोल सकते हैं। एंड स्टॉक में हम देख रहे हैं कि बट वीकली बेसिस पे कई वीक से पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली लोअर हाईस फॉर्मेशन ही बन रहे। तो आज ऑफकोर्स यहाँ पे एक प्राइस सर्ज जरूर है पर यहाँ पे मेरा मानना है कि हम इसको थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। स्टॉक अगर 3800 के ऊपर अगर होल्ड करते हुए दिखता है तब हम इसमें बाय की रणनीति अप्लाई करेंगे। ओके ठीक है, डन। एक काम और कर लेते हैं, मेरे पास एक दो शेयर और भी हैं। हमारे क्या क्या एक्सपर्ट्स भी और हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं। एक शेयर मेरे को बीच में रोक के जरा पूछना पड़ रहा है, उसके बाद में फिर थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा। आज जिनके पास भी HDFC है करीब 18 रुपये ऊपर है, 1620 का टारगेट चल रहा है। ओशो जरा एक बार आप मेरे को HDFC के बारे में जानकारी दोगे, ये BTST STBT करके चले जाएँ। हाँ जी, HDFC में देखें तो अभी कंसोलिडेशन फेज पे है, BTST के लिए थोड़ा वेट करना। अगर आज हाईज के ऊपर निकलता है 1627-28 के ऊपर जाता है तो थोड़ा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बिकॉज अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों में भी देखें तो ये काउंटर बिल्कुल अपने 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट कर रहा है। 1600 का इसका काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बेस है तो इमीडिएट बेसिस पे BTST में थोड़ा सा मोमेंटम देखना पड़ेगा। अगर डे एंड तक ट्रैक्शन आता है, 1630 तक काउंटर जाता है तो हो सकता है कि कल हमें 1645-50 के टारगेट्स देखने को मिले। बट ये अगेन सेइंग दैट कि 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1625 पे है तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है एज अ BTST अप्रोच नहीं करें। बट पोजिशनल बेसिस के लिए काउंटर बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन पे, बिल्कुल आप बाई एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, हमने आपको ना आज दो शेयर और बताए थे, वो दोनों शेयर आज हमारे ब्रेकआउट के थे। हमने आपको ये भी बताया था कि थोड़ा आप इसको पोजिशनल रखना तो आपको अच्छा बेनिफिट होगा। एक तो था नटको फार्मा और एक दूसरा बताया था यूनाइटेड स्पिरिट्स। एक बार दोनों शेयर एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए। नटको फार्मा करीब 4% ऊपर है, यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर भी आज स्ट्रॉन्ग मूव वापस से आया और मैं इसके लिए अपने एक्सपर्ट्स का भी थैंक यू करूंगा, खासकर धोनी पटेल का और अंशुल जैन का। सुबह सुबह उन्होंने हमको गाइड भी किया इन दोनों शेयर्स पे और आप देखिए दोनों शेयर ऑलमोस्ट डेज हाई पे है और ऐसा नहीं कि इन्होंने गैप किया, ये खुले, खुलने के बाद मजबूत हुए और आपको आज इंट्राडे गेन देके जा रहे हैं। बस मेरा क्वेश्चन अभी अपने एक्सपर्ट से सिर्फ यही है, खासकर शिवांगी से। शिवांगी, दोनों शेयर्स के अंदर इंट्राडे गेन भी अच्छे आए हैं तो क्या बुक कर जाऊं या फिर थोड़े और देर के लिए भी रुकना चाहिए? हमने पोजिशनली पता किया था ये दोनों शेयर्स के लिए, टारगेट भी बड़े थे, आप हमको ये बता दी इंट्राडे गेन बुक करके बाहर निकलना या फिर कैसे करना है? जी बिल्कुल, फार्मा स्पेस की अगर हम बात करें थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि काफी वॉलेटिलिटी रहती है हाई बीटा होने के कारण, पर नटको फार्मा जो है अपने एक रेंज के हायर जोन को निकालते हुए एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम के साथ यू नो क्लोजिंग दे रहा है। एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वीकली बेसिस पे स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है तो बिल्कुल हम यहाँ बने रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आगे की तरफ ट्रेल करे क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट है कि हम कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करते रहे। तो अपसाइड जो नेक्स्ट टारगेट्स है वो 1450 के आसपास बनते हुए दिख रहे हैं और 1390 पे एक स्टॉप लॉस जो है वो हम ट्रेल करके आगे की तरफ बनाए।
है, तो दोनों शेयर्स पे मोटा मोटी आपको रिकमेंडेशन दे दी है शिवांगी ने, और आई होप कि आपको इसी तरह से ब्रेकआउट वाले अच्छे शेयर्स हम छांट छांट के आपके लिए लेके आएंगे। आप ज़रूरी नहीं है उसमें ट्रेड करो ही, बट ये ज़रूरी है कि उन शेयर को एक बार नज़र मार लो, सिर्फ देख लो और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लो। आपके पास हो सकता है आपके पास हों भी वो शेयर, तो आप ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं तो आपको और लेना ही, आपके पास है तो बैठे रहो ना, नहीं है तो फिर पता कर लो, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा कि ये शेयर्स पे थोड़ा दम है, क्योंकि वो सिस्टम बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको मैं देख दाख के आपके सामने वो शेयर्स लेके आता हूँ। ऑप्शंस का ट्रेड देने के लिए हमारे साथ अवनी भट्ट जुड़ रही हैं, बहुत ही शानदार ऑप्शंस का ट्रेड देती हैं, आइए देखते हैं कौन सा ट्रेड वो देने जा रही हैं। अवनी मैम बताइए कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड है आपका? तो आज जो मोमेंटम जिस स्टॉक में बना हुआ है वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस स्टॉक में जो गिरावट हमने देखी है वो गिरावट 50 दिन के मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के, और दो दिन पहले जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी वो गैप फिल हो चुका है, और उसके बावजूद काफी अच्छी उछाल हमें देखने मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट में शेडिंग हो रहा है, माने शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो सारे शॉर्ट्स कट चुके हैं सिस्टम से, और अब इस स्टॉक में क्षमता ऊपर 245 तक जा सकता है बहुत ही एक दो या तीन दिन के अंदर अंदर। तो हम इसको प्ले करेंगे 240 की कॉल खरीद के, अगस्त सीरीज की 240 की कॉल 4.5 रुपए में हमें खरीदनी है। इसका टारगेट रहेगा 7.5 रुपए का और स्टॉप लॉस रहेगा 3 रुपए का। तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतरीन है, अधिकतम मुनाफा इसमें हो सकता है 13,700 रुपए और अधिकतम नुकसान जो है वो 6,800 रुपए तक सीमित रहेगा। ठीक है मैम, इसका लॉट साइज क्या है गेल का? मेरे हिसाब से 2850 के आसपास है। ठीक है, 2850 के आसपास का होगा। अच्छा ठीक है, कैलकुलेशन उसी के अकॉर्डिंग नीचे डली हुई है प्रॉफिट लॉस की, तो ऑलमोस्ट 1:2 से थोड़ा ज़्यादा बन रहा है आपका रेशो, ये जो आप नीचे अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो गेल की 240 की कॉल है, 4.5 4.5 मिलेगी, भाव से डाल के लेना। दूसरा पॉइंट, 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना, 4.5 रुपये फ्री के नहीं है, लॉट साइज बड़ा है इसका, इसलिए ऐसा ना हो कि 12-13 हज़ार रुपये या 16 हज़ार रुपये आपके लग जाएँ और आप उसको जीरो कर बैठो, इसलिए 3 का स्टॉप लॉस जरूर डालना, 7.5 का टारगेट डालो, भले 7 का भी डालो तब भी चल जाएगा रिस्क और तब भी ख़राब नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, तो गेल आपके लिए ट्रेड हो गया, एट द मनी आपके सामने ऊपर लिखा है, 232 का भी रेट है, 240 का स्लाइटली आउट है, तो स्लाइटली आउट ऑफ द मनी वाली कॉल है, थोड़ा एग्रेशन के साथ चला तो काम बन जाएगा। अवनी भट्ट बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये नोटिस करवाने के लिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल के जो नंबर्स आए हैं, जितना अनुमान था उससे कम नंबर्स आए हैं, प्रॉफिट के टर्म्स में भी और आय के टर्म्स में भी। जैसे आय आई है करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास, जो आनी चाहिए थी 5,000 करोड़ रुपए के आसपास। मुनाफा तो इसका घटा है, एक बार ज़रा चेक कर लेना, इसका शायद प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है। अगर हम ये लिख रहे हैं कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है तो फिर एक बार कंपैरेटिव नंबर बताओ और YOY और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अलग अलग करके रखना, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर शायद हो सकता नंबर ठीक हो, बट YOY पे नंबर ख़राब है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर नंबर्स देखे इसके, तो YOY पे टिपिकली ख़राब है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम मेंशन कर रहे हैं। ठीक है जी, मार्जिन्स करीब करीब 10.7% के आसपास का है इसका, वो भी आपको अभी मार्जिन्स में आ जाएगा। टिपिकली इन्हीं कंपनीज में मार्जिन्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और उसी से प्रॉफिट जुड़ा होता है, सेल्स का ज़्यादा मतलब नहीं है, सेल्स तो सीजनल है और क्लाइंट्स भी सेम रहते हैं, कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। ठीक, एक काम करते हैं, ओशो जरा चेक करना कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल बिल्कुल अपने कंसोलिडेशन जोन पे है, 21-day मूविंग एवरेज के पास है, एक्सपेक्टेड रहेगा, बिकॉज रिजल्ट आया है तो उससे थोड़ा सा वोलेटिलिटी तो बिल्कुल देखने को मिल सकती है, बट लोअर लेवल्स पे अगर हम देखें तो नियर अबाउट 1565 के अराउंड इसका पहला सपोर्ट है, अगर उसको सस्टेन करता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक या पुल बैक देखने को मिले, अगर उसके जाता है तो यहाँ से नियर अबाउट 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 1525 के आसपास का है वहां तक ये काउंटर जा सकता है, बट अभी वोलेटिलिटी को देखते हुए थोड़ा वेट करना चाहिए, 1565 के अराउंड अगर पोजीशन है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें, हायर लेवल्स पे थोड़ा, बिकॉज ओवरऑल मुझे लगता है फर्टिलाइजर्स केमिकल्स स्पेस पे ट्रैक्शन है, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए वोलेटिलिटी को सबसाइड होने के लिए।
लगा दो इस पर स्टैम्प वेट एंड वॉच की, ज़्यादा नहीं आपको इसके अंदर कोई एग्रेशन नहीं दिखाना, वेट एंड वॉच की स्टैम्प लग रही है, नंबर्स को इम्पैक्ट को पूरी तरह से ख़त्म हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। ये हर शेयर्स पे आप लगाओ, मैं कई बार आपके सामने बात रख चुकता हूँ, जब तक लिखतम और वक्तम दोनों नहीं होगा ना, आपकी आपकी मेमोरी में आएगा ही नहीं। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं, इसलिए प्रोड्यूसर साहब थोड़ा एक्टिव होते हुए ना फटाफट से स्टैंपिंग कर दिया करो, ताकि पता लग जाए हमने हर तरह के स्टैंप बना रखे हैं। एक और चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टैंप हमारे पास नहीं है, तो उसको भी बनवा लो आप कि भैया। एक और चीज़ मैं छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस और टारगेट के ना एक पट्टी सी बनवा लो, उसका सिर्फ नाम डालो, स्टॉप और टारगेट सामने सामने भी डालो। शेयर हम भले 10 देखें, ज़्यादा मैटर ये करता है कि शेयर हम अच्छे से देखें, ना कि सिर्फ आंखों से आ गया है, क्या बोल के हम चले गए, क्या हम सुन के चले गए, वो ना चले। तो इसकी हमें थोड़ी और प्रैक्टिस भी करनी होगी। हम खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं और हम एक्सपर्ट से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट सबके देते जाएंगे, ताकि किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी चर्चा को फिर हम और आगे बढ़ाएंगे। In association with SBI Solid Bank. क्लोजिंग कॉल में आपका फिर से स्वागत है। 300 अंकों पर है निफ्टी, और निफ्टी बैंक को देखेंगे तो वो भी आपको करीब करीब उतनी ही तेजी दिखा रहा है। हालांकि प्रतिशत के लिहाज से निफ्टी बैंक कम है, कमजोर है, और ये साफ साफ दिख रहा है आधे के आसपास का फर्क है दोनों के दोनों अगर इंडेक्स की हम बात करें तो। लेकिन एक शेयर जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, वो है टाटा मोटर्स का। हमने कि 1200 के आसपास का भाव हो गया था, वहां से ये शेयर गिरा 1015-20 रुपए के आसपास, एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। आप अगर परसों देखेंगे और कल देखेंगे, आज देखेंगे, एक बिल्कुल टाइट रेंज में है और इस लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहा है। आज तो 1% के आसपास की तेजी हम शेयर में देख भी रहे हैं। अच्छा, आज टाटा मोटर्स ने एक और काम किया है, अपनी एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी कर्व को लॉन्च किया है। 17.5 लाख रुपए की कीमत होगी, तमाम स्पेसिफिकेशन से आपको स्क्रीन पर वो दिख जाएंगे, तस्वीरें भी आ गई, काफ़ी खूबसूरत कार है। लेकिन शिवांगी, आप ज़रा ये बताइए, कार के देखिए तस्वीरें तो सामने हैं, लेकिन क्या आपको शेयर भी आकर्षक लग रहा है इस भाव पर? क्या फिर से चलने के लिए तैयार है ये? जी अभिषेक जी, सारे ही ऑटो काउंटर्स अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो काफी अच्छे यू नो नजर आ रहे हैं। एंड अगर स्ट्रक्चरली हम बात करें तो इस पूरे बुल रन में यू नो कोविड से लेके अभी तक हमने देखा है कि ऑटो स्पेस एक ऐसा काउंटर रहा है जो कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट यू नो किया है। सो डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बने रह सकते हैं और अच्छे प्राइसेस पे निवेश करने के भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी स्टॉक है, फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। और जिस तरह से हम इसका यू नो ऑन रोड भी अगर हम देखें, परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। बट ट्रेडिंग के लिहाज से अगर बात करें तो ट्रेडिंग के लिए मैं कहूंगी कि हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं, 1050 के ऊपर जो है फिर बाइंग स्टांस की तरफ जाए। 1050 रुपए के ऊपर आपको इसमें खरीदारी करनी है। इस बीच आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ABFRL, इसके नतीजे आ गए हैं, आय 7.25% बड़ी है, 3,428 करोड़ रुपए की आय निकल के आई है। और अगर हम इसके घाटा की बात करें, घाटा बढ़ा है इसका, घाटा 33% बढ़ के 215 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। हालांकि हम देख रहे हैं कि नंबर्स के बाद शेयर में कोई खास एक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन पिछले अगर एक महीने के अगर आप चाल देखेंगे तो ये वोलेटाइल जरूर रहा है। 350 रुपये के भाव के आसपास जाकर ये शेयर घुमा है ये। जतिन, आप जरा बताइए, ABFRL क्या इस लेवल से कोई ट्रेड बन रहा है या फिर अवॉइड कर दें इसको? देखिए, ABFRL की बात करूं तो 315 से लेके 340 ये रेंज में बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि लोअर एंड ऑफ द रेंज पे आया है तो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होगा। 315 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में हमें लगता है कि 338-342 तक के इमीडिएट अपसाइड टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, ABFRL को लेकर ये व्यू, 2.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, लेकिन 3 बज गए हैं और जरा ये समझ लेते हैं कि आज दिन भर में बाजार खोलने के बाद शेयरों को लेकर कौन सी खबरें आई और स्टॉक्स में किस तरह का एक्शन हुआ। मार्केट @3 लेकर गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं।
गौरव बताइए क्या हो रहा है एक्शन, कहाँ पर फोकस है आज? जी हाँ, तो अगर आज के दिन की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ज़बरदस्त रिजल्ट के साथ और इसके ऊपर बात करते हैं BASF की, क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें हम कहीं पे तो रेवेन्यू जो है वो 18% से बढ़ा है सिक्वेंशियल लेवल पे। इसी के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी में हमें एक 36% का ग्रोथ देखने को मिला और उसके बाद हमने देखा शेयर में भी एक 20% का अपर सर्किट जो है वो आज के दिन में हिट हुआ है। अगली बात करते हैं वेंकीज की, क्योंकि यहाँ पे भी अगर नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू में हालांकि थोड़ी एक गिरावट देखने को मिली है, बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे एक 4 times ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। प्रॉफिट जो है वो अभी 75 crores पे है। EBITDA मार्जिन में भी 900 bps का एक सुधार देखने को मिला और उसके बाद इस स्टॉक में भी एक अपर सर्किट जो है 20% का वो हिट करते हुए हमें देखने को मिला है। अगली बात करते हैं PDLite की, यहाँ पे भी एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। जो रेवेन्यू है वो 4% से ऊपर है, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 20% का ग्रोथ देखने को मिला है और EBITDA मार्जिन में भी हमें कहीं पे 200 बिप से भी ज़्यादा एक्सपांशन जो है वो देखने को मिला और शेयर के भाव में भी अगर हम बात करें तो कहीं पे एक पॉजिटिव मोमेंटम आज के देखने को मिला था। अगली बात करते हैं उनो मिंडा की, क्योंकि यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पे 23% का ग्रोथ देखने को मिला था उनो मिंडा में। इसी के बाद EBITDA मार्जिन जो है वो कहीं पे फ्लैट था, बट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे 15% का ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद अगर हम उनो मिंडा की भी बात करें तो कहीं पे एक पॉजिटिव अपटिक जो है वो आज के दिन में देखने को मिला था। और आखिर में बात करते हैं सांगवी मूवर्स की, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़े वीक नतीजे जो है हमें देखने को मिले थे इस क्वार्टर के लिए। रेवेन्यू जो है वो 3% से बढ़ा है, बट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो वहां पे एक डिक्लाइन देखने को मिला था और इसी के बाद अगर हम EBITDA मार्जिन की बात करें तो 1000 bps का एक कंप्रेशन जो है वो हमें देखने को मिला है और इसके बाद अगर हम स्टॉक में भी देखें तो 10% से भी ज्यादा गिरावट रिजल्ट के बाद ही हमें देखने को मिली है। तो इन सब स्टॉक्स पे आगे जाकर नजर रखना भी काफी जरूरी रहेगा, क्योंकि एक अच्छा प्रदर्शन जो है कई स्टॉक्स की तरफ से देखने को मिला है और आगे जाके एक मोमेंटम भी जो है आज के दिन में काफी अच्छा रहा इन सब स्टॉक्स में। गौरव ठीक है, गौरव आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे ये भी जानेंगे कि कल RBI की जो पॉलिसी आने वाली है, खैर दरों में किसी बदलाव की उम्मीद तो नहीं है लेकिन फोकस कहाँ पर होगा ये आपसे समझेंगे। लेकिन उसके पहले NLC इंडिया के नतीजे आ गए हैं और शेयर में हम देख रहे हैं कि तेज़ उछाल है, अब करीब 9% ऊपर ही कारोबार कर रहा है, 274 रुपये के आसपास का भाव NLC इंडिया। NLC इंडिया यानी कि नेवेली लिग्नाइट कंपनी, इसका पहले नेवेली लिग्नाइट नाम था उसके बाद NLC इंडिया कर गया। आय की बात करें तो उसमें ज़्यादा उछाल नहीं है लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर बहुत अच्छा प्रदर्शन, 38% ऊपर ये कारोबार कर रहा है शेयर। सरकारी कंपनी है ये और आज हम देख रहे हैं कि सरकारी कंपनी में एक अलग सा जोश है। EBITDA यानी कि कामकाजी मुनाफा जिसे हम कहते हैं 9.5% बढ़ा है और वो है 1082 करोड़ रुपये के आसपास का। शिवांगी आपसे जानना चाहेंगे, 250 रुपये के आसपास शेयर ने सपोर्ट लिया और आज वहाँ से चल रहा है ये और चलेगा, क्या टारगेट्स आप देख रही हैं NLC इंडिया में? जी एनएलसी इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पे स्टॉक ने अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही एग्जैक्टली एक टर्न लिया है एंड लगातार पिछले 4 दिनों में बाजार के वीकनेस के कारण स्टॉक में एक हिट जरूर देखने को मिला था, पर ओवरऑल अगर हम इसका लंबी अवधि का चार्ट देखें मंथली बेसिस तो काफी स्ट्रॉन्ग है ये काउंटर एंड 3 महीनों से लगातार हमने देखा है कि हायर लोस फॉर्मेशन भी बनते हुए दिखे हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे टारगेट्स जो है वो इमीडिएटली 285 और फिर 300 तक के लेवल्स के बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एनएलसी इंडिया को लेकर ये व्यू, लेकिन दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स फोकस में हैं। US फेड की पॉलिसी मीट थी 31 तारीख को, इसके बाद हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ जापान की बैठक थी, अब RBI पर नजर रहेगी। हालांकि दरों में कटौती की उम्मीद हम करके चल नहीं रहे हैं लेकिन कमेंट्री बहुत ही क्रूशियल होगी आगे के ग्रोथ को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम चीजों को लेकर। गौरव हमारे साथ बने हुए हैं, गौरव बताइए क्या उम्मीदें हैं इस पॉलिसी से? जी हाँ, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की अगर बात करें तो कहीं पे इस बार भी इस कमेटी मीटिंग में से एक्सपेक्टेशन ये है कि 6.5% जो अपना रेपो रेट है वो वैसे ही बना रहेगा और इसी के साथ साथ जो RBI का स्टांस है विदड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन का वो भी वैसे ही बना रहेगा। और इसका मेन रीज़न ये है कि अगर हमने GDP ग्रोथ की बात की तो जैसे हमने देखा कि Q4 में GDP ग्रोथ जो है वो 7.8% में था जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। इसके बावजूद RBI ने FY25 के लिए भी जो GDP ग्रोथ का टारगेट है वो बढ़ा के 7.2% किया है। तो कहीं पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो कहीं पे भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे, बट अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें जो कि RBI का टारगेट है कि 4% पे लाना है उन्हें, और वही वही पे कहीं पे जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेटेड हमें
जाके देखने को मिल रहा है। अगर हम इन्फ्लेशन में भी बात करें तो कहीं पे कोर इन्फ्लेशन जो है वो मल्टी पीरियड लो लेवल्स पे है, बट अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वहाँ पे एक रिस्क देखने को मिल रही है, और इसी के चलते एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस मीटिंग में भी हमें रेट कट्स नहीं देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो अगर इस मीटिंग में भी रेट कट्स नहीं देखने मिले तो ये 9th मीटिंग रहेगी कॉन्जिक्यूटिव जहाँ पे बाई मंथली मीटिंग में हमें रेट कट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं आरबीआई की तरफ से। उसके अलावा एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि कहीं पर अगर हम जियोपॉलिटिकल रिस्क की बात करें या उसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो वो भी एक मेन कंसर्न रहता ही है, क्योंकि अगर हम अर्ली साइंस की बात करें तो ग्रोथ कहीं पर रूरल कंजम्पशन से भी देखने को मिल रहा है, बट वहाँ पर अगर कहीं भी कंसर्न देखने को मिले तो रेट कट्स की बातें हो सकती है। बट जैसे हमने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई जो है वो रेट कट्स इस बार में भी, इस मीटिंग में भी नहीं करेगा, ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है। बट आगे जाके आरबीआई का कमेंट्री कैसे रहेगा इन्फ्लेशन को लेके और ग्रोथ को लेके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हमारी नज़र भी कमेंट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ज़रूर बनी रहेगी। बट अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो कहीं पर भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इस मीटिंग में भी हमें ये जो रेट कट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया गौरव। तो रेट कट की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हम सुनना ये चाहते हैं कि आगे रेट कट को लेकर आरबीआई संकेत क्या देता है। कल क्रेडिट पॉलिसी की सबसे बड़ी कवरेज आप ईटीनो स्वदेश पर देखेंगे 9:45 बजे से। दिग्गज एक्सपर्ट्स का पैनल होगा जिसमें कि बड़े फंड मैनेजर्स होंगे, बाजार के दिग्गज होंगे, इसके अलावा इकोनॉमिस्ट होंगे, इंडस्ट्री के लोग भी होंगे, और पूरा समग्रता के साथ हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आरबीआई दरों में कटौती को लेकर तैयार है, इन्फ्लेशन कितना बड़ा इशू है, ग्रोथ कितना बड़ा मुद्दा है, इन तमाम चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, कल बिल्कुल हमारे साथ जुड़ेगा आप क्रेडिट पॉलिसी की एक विस्तृत कवरेज के लिए, और उसके बाद बाजार पर भी एनालिसिस को लेकर क्रेडिट पॉलिसी की। ये तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो आपके साथ जुड़ने वाले हैं। इस बीच डॉक्टर लाल पैथ लैब के नतीजे भी आ गए हैं। 6 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है डॉक्टर लाल पैथ लैब ने, बाकी आंकड़ों का इंतजार है। आज हम देख रहे हैं कि 2.5-3% के आसपास की तेजी है। आज अगर आप देखेंगे तो ये जो डायग्नोस्टिक वाले जो स्पेस है ना, इसमें आपको कई सारे स्टॉक्स चलते हुए दिखेंगे। कृष्णा डायग्नोस्टिक हो गया, पॉलिस हो गया, ये तमाम शेयर आप देखिए जो ही नतीजे आए हैं ये शेयर चला गया है दिन के ऊपरी स्तर पर 3% के आसपास की तेजी है। इस पे हम ब्रेकआउट शेयर में हम चर्चा भी कर रहे थे कि क्या ये शेयर चलने के लिए तैयार है। आज नतीजों के बाद ये मूव दिखा रहा है, आय में 11.5% के आसपास का उछाल है, 602 करोड़ रुपए के आसपास की आय इसकी आ गई है। विभोर, डॉक्टर लाल पैथलेब, आप जरा इसका चार्ट चेक करके बताइए किस तरह का मूव आप देख रहे हैं शेयर में। सभी को नमस्ते। और डॉक्टर लाल पैथलेब की बात करें तो ये कॉन्स्टेंटली एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही चल रहा है, और अभी से नहीं, अगर आप रीसेंट जो लास्ट इसका लो देखेंगे वो मार्च 2024 से लेकर बैक टू बैक कहीं 1900 रुपए था, फिर उसके बाद ये 2300 रुपए तक आया, एक हल्का सा रीटेस्ट करा, फिर वापस जोन में गया 2800 तक, वापस रीटेस्ट के बाद अभी 3200 आ गया, तो कॉन्स्टेंटली बुलिश तो दिख ही रहा है। तो मैं यहाँ पर अभी भी इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं स्टॉक जाके अपना समवट अराउंड 3500-3700 के लेवल्स में इजिली जा सकता है। डन, आगे बढ़े। अब कुछ और ट्रेड जरा पता कर लेते हैं जहाँ पर आज मार्केट का थोड़ा मोमेंटो है। जरा मैं तेज़ी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर लेके आता हूँ, आप उसको ज़रा देखिएगा। कोल इंडिया करीब 6% ऊपर है और 5% जेएमआर इंफ्रा भी ऊपर है, एबीबी भी करीब 5% ऊपर है। ठीक है, मैं सिर्फ वॉल्यूम वाले शेयर पकड़ के आपके सामने बलरामपुर चीनी लेके आइए एक बार ज़रा। शिवांगी, एक बार ज़रा बलरामपुर चीनी चेक करेंगे आप। बलरामपुर चीनी, ये बीटीएसटी करना है क्या? जी, बलरामपुर चीनी की बात करें तो थोड़ा वोलेटाइल जरूर रहता है, काफी स्विंग्स रहते हैं स्टॉक में, पर फिलहाल जो है एक अच्छी मोमेंटम पकड़ी हुई है, एंड हम देख रहे हैं कि एक 493 का हर्डल है वो काफी स्ट्रांगली खड़ा है, जो कि हमने देखा पिछले लगभग 5 सेशन पहले भी स्टॉक जो है निकाल नहीं पाया है। तो यहाँ पे थोड़ा एक हर्डल जोन इंटैक्ट लग रहा है, तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़े सेफर काउंटर्स के साथ बीटीएसटी की तरफ जाएं। जतिन केडिया भी इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं और शिवांगी से भी हम बातचीत कर रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स भी जरा मैं आपसे पता कर लेता हूं और जहां पे ट्रेड देखा जा सकता है उसमें सिंजिन भी है। जतिन भाई, एक बार जरा सिंजिन चेक करना। सिंजिन देखिए, सिंजिन में 4 दिनों का एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, डिसाइसिवली ब्रेकआउट के ऊपर आई थिंक क्लोज तो डेफिनेटली दे सकता है। इसके लिए बीटीएसटी या तो फिर पोजिशनली भी किसको लॉन्ग ट्रेड कैरी करके जाना है तो जा सकता है, क्योंकि आज फ्रेश ब्रेकआउट आया है तो हमें लगता है कि कंसोलिडेशन में से निकला है, तो अगले
आने वाले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन तक मोमेंटम ऊपर की तरफ कंटिन्यू रह सकता है। बीटीएसटी के लिए भी और पोजिशनली भी लॉन्ग साइड की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, सिंजन की भी आज अच्छी क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही है। कुछ कुछ और शेयर्स भी जरा चेक करवा लेता हूँ मैं सर से, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दूँ कि आज मार्केट का मूव काफ़ी अच्छा रहा है, आज क्लोजिंग अच्छी हो रही है। अगर आप देखें बाज़ार के अंदर तो दो चीज़ें मैं आपको नोटिस करवाता हूँ, उसके बाद फिर मैं और शेयर्स पता करता हूँ। पहला, एडवांस डिक्लाइन दिखाओ एक बार रेशियो में, एडवांस डिक्लाइन जल्दी जल्दी दिखाते हैं ये प्रोड्यूसर साहब, फटाफट से एडवांस डिक्लाइन दिखाओ आप, जिसमें 164 शेयरों का आज बोलबाला है। आज ज़्यादातर शेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एनएससी बीएससी के अंदर भी आप रेशो देखो कितनी ज़ोरदार गैप के साथ है, ये पहला चीज़ बताने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। दूसरा पॉइंट, निफ्टी की आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट डेज हाई पे हो रही है, ठीक है, तो ये 24,300 के आसपास है, 24,200 वाला एक हमने आपको लेवल बताया था कि इसके ऊपर क्लोज होगा। आप समझ लीजिएगा कि डैमेज कंट्रोल होना की शुरुआत हो गई है, 350-400 के ऊपर हो जाएगा तो सोच लीजिएगा कि अब डर नहीं है, अब तो पुल बैक आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी काफ़ी हाई हो जाएगी। ठीक जी, एक तो ये आपका निफ्टी वाला पॉइंट हमने और क्लियर कर दिया। तीसरा पॉइंट दिखाओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाओ, HDFC दिखाओ, स्पीड से दिखाते जाओ, रिलायंस दिखाओ, HDFC दिखाओ, L&T दिखा दो, HUL दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ, TCS दिखाओ, वेटेज वापस लौट आई। आज इस जो भी आपके सामने प्रोड्यूसर साहब हमारे चार्ट फायर कर रहे हैं ना, आप देख लेना एक भी शेयर आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो डेज लो पे बंद कर रहा हो, सारे अमूमन डेज हाई पे या फिर एक रेंज में ऊपर पे ऊपर बंद कर रहे हैं, सिर्फ एक HUL को छोड़ के जो कि ट्रेडिशनली डिफेंसिव है, जब एग्रेसिव सामने आएगा तो डिफेंसिव पीछे हटेगा, ये भी अपने आप में मैसेजिंग है। एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया विक्स 14% इंडिया विक्स टूटा हुआ है, 16 के लेवल आ गया, 15 के नीचे जाते ही ये जो एक्सट्रीम वॉलिटिटी अभी आप फील कर रहे हो ना, ये सब गुम हो जाए, खत्म हो जाएगी, फिर बड़े बड़े मूव से आप छोटे छोटे मूव में ट्रांसफर हो जाओगे। आज 14% तोड़ के आप ऑलमोस्ट 15 के बेहद बेहद करीब आ गए हो, ये पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको नोटिस कराया। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बची हुई कंपनीज है ना, वो भी धीरे धीरे करके अब आपको अर्निंग्स में नोटिस होंगी। इससे पहले तक आप अर्निंग्स में एकदम से उन कंपनीज को भूल गए थे, लेकिन वापस से स्मॉल और मीडियम कंपनीज के अंदर रिएक्शन आएगा। एक और बात मैं आपको नोटिस कराता हूँ, कल पॉलिसी का भी दिन है, हालांकि ये बात सभी जगह पता है, हमने भी आपको पोल करके बताया है कि दरों में तो किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताऊँ दर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय मैनेजमेंट RBI गवर्नर की पॉलिसी का है। मिस्टर गवर्नर बोलते क्या हैं, तो अगर वो कुछ भी अच्छा बोल देते हैं ना, तो आप एक कवरिंग के लिए तैयार हो जाइएगा, मार्केट उसी को ही फ्रेम कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में एज सच कोई दिक्कत नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले ही ग्लोबल डाटा सारा चेक किया है, मेरे को कहीं पर भी एज सच कोई प्रॉब्लम बड़ी दिख नहीं रही है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप, चलिए ठीक है आप भी देखते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं देख रहे तो आपको पता लग जाएगी कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर रुकी हुई है। ठीक जतिन भाई, एक दो शेयर मेरे को आपसे जरा और पता करना है, जरा वो भी जरा देख के बताइए। मैं कवरिंग वाले शेयर्स भी ले रहा हूँ, जहाँ पे आज कवरिंग आई है और अच्छी कवरिंग है, हाँ वो भी दिखाता हूँ। एक बार जरा डिक्सन टेक्नोलॉजीज दिखाओ, ये शेयर बहुत तेज़ी से टूटा था, आपको ध्यान होगा। एक बार जरा डिक्सन टेक्नोलॉजी भी, जतिन भाई आपकी रिकमेंडेशन। डिक्सन में जो कॉल आया था वो अराउंड 11,000, जो उसका प्रीवियस स्विंग लो था वहां पे आके हॉल्ट हो गए, हमें लगता है ये ऊपर में अभी इनिशियली 12,000 और उसके बाद 12,500 तक भी ये चल सकता है। इसके लिए जो क्रूशल उनके प्रीवियस स्विंग लो के सपोर्ट से वो होल्ड किए है, तो हमें लगता है कि पुल बैक में ये ऊपर में अच्छा खासा रनअप दे सकता है करंट स्तरों से भी। डन, एक शेयर और पता कर लेते हैं विभोर, जरा आप वो देखना BEL 4% आज ऊपर है, BTST करने का कैंडिडेट है, ये भी कवरिंग ही हो रही है इसमें भी। आज स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ना एक 280-285 के आसपास एक ऐसा लेवल बना हुआ है जहां से स्टॉक एक नहीं दो नहीं तीन बार चार बार बाउंस कर रहा है। तो सबसे पहली बार एक बाउंस आया था 12 जून के आसपास, फिर उसके बाद अभी 23 जुलाई का ये जो वोलेटाइल डे था वहां से बाउंस आया था जब इसके रिजल्ट्स वगैरह आए थे, फिर उसके बाद अभी जाकर 2 दिन का जो हमारा फॉल आया था मंडे को वहां से भी एग्जैक्टली। तो 285 के आसपास अगर कोई लॉन्ग करना चाहे तो 285 का एक स्टॉप लॉस रखकर ये डेफिनेटली यहाँ पर 327 और 340 के लेवल्स के लिए लॉन्ग किया जा सकता है डेफिनेटली, और आपके पास अच्छा खासा एक रिस्क रिवॉर्ड भी रहेगा।
एक काम करते हैं, हमने बहुत सारे शेयर पूछ भी लिए हैं, बहुत सारे शेयर और पूछने बाकी भी हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मोटा मोटी मार्केट्स के अपडेट देखिए, हमारी टिकर टीम ने भी नीचे आपको डालना शुरू कर दिया। अगर आप टीवी स्क्रीन को ही खाली देख रहे हैं तो भी आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, अगर टर्मिनल पे नहीं भी हैं तो, और अगर टर्मिनल पे हैं तो जो जो चीज़ हम आपको नोटिस करवा रहे हैं आप वो ज़रूर देखते रहा कीजिएगा साथ साथ में ही। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। हो रही है अच्छी, आप चाहें तो BTST करके जाना चाहें तो कर भी सकते हैं। दो पाँच मिनट में हमने BTST वाले कुछ और शेयर्स भी पता कर लेंगे, लेकिन इस बीच जो रियल एस्टेट के काउंटर्स हैं ना उस पर भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज LTCG वाला मैटर हुआ है। ये पूरा मैटर भी क्या है और साथ में हम आपको ये जो शेयर्स हैं इसका कितना कितना मूव आया है ये भी फटाफट से दिखा देंगे। तो शरद को अपने साथ जोड़ लेते हैं, एक रफ रफ सी कैलकुलेशन आप उसको जरा समझ लीजिएगा LTCG टैक्स के ऊपर कैसे कैलकुलेशन है। शरद बताएँ आप। जी बिल्कुल, रियल एस्टेट पर जो है पूरी राहत मिली है और जो घर की खरीदारी वाले जो लोग हैं उनको एक बड़ा राहत मिला है। गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है कि जो रियल एस्टेट के लिए जो LTCG के टैक्स व्यवस्था में जो है संशोधन हुआ है, LTCG जो टैक्सेशन के बारे में मैं बात करूँगा उसको लेके। इसके अलावा जो है ऑफकोर्स आप कहेंगे कि जो इंडेक्सेशन है उसके साथ साथ जो है बगैर चुनने के अभी जो है विकल्प दिया है, मैंने दोनों ऑप्शन दिया है, इंडेक्सेशन के साथ भी और इंडेक्सेशन के बिना भी। अगर आप फ्लैट की बिक्री करने पर टैक्स पे जो देनदारी होती है वो अब कम हो सकती है, तो एक टाइप से फ्लेक्सिबिलिटी जो है होम ओनर्स को देखने मिला है। 23 जुलाई ये जो इम्पोर्टेंट दिन है, इसके पहले जो खरीदारी की गई जो प्रॉपर्टी या घर इस पे ये लागू होना था। और अगर बात करें तो व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF इन दोनों के लिए जो है ये नियम लागू थे। रियल एस्टेट इंडस्ट्री की जो एक फीडबैक ली गई थी एंड यहाँ से पता चला कि दो विकल्प का प्रस्ताव आया है। तो मैं ओवरऑल बताऊंगा कि रियल एस्टेट बिक्री में LTCG टैक्सेशन कितना लगता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्सेशन की, फिर बात करेंगे नॉन इंडेक्सेशन की। जो आप देखिए टैक्स रेट क्या लगता है, 12.5% लगेगा आपका इंडेक्सेशन का, और इंडेक्सेशन के अलावा जो है हम बात करें के बिना वो जो है 12.5% रहेगा। अगर आप रियल एस्टेट की बिक्री की जो आप इंडेक्सेशन के बिना के बारे में बात करें तो अगर 2001 में आपने 1 करोड़ रुपए का घर खरीदा है तो 2024 में अगर उसका वैल्यू 4 करोड़ के ऊपर आ रहा है तो जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 3.7 करोड़ आता है। तो इस अमाउंट पे जो है 12.5% LTCG लगाएंगे तो आपको 40 लाख का जो है LTCG टैक्स आने वाला है। ये तो इंडेक्सेशन के बिना का सिनारियो एनालिसिस है, लेकिन अगर इंडेक्सेशन लेते हैं तब क्या आता है। 2001 में 1 करोड़ का इसका वैल्यू था, 2024 में करेंटली 4.17 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 3.17 करोड़ है, यहाँ तक कैलकुलेशन आ गया हमारा। लेकिन इंडेक्सेशन के हिसाब से वैल्यू 3.6 करोड़ आ रहा है, यानी कि एक डिफरेंस आ रहा है 54 लाख का, वो उसका प्रॉफिट आता। अब ये जो है बड़े LTCG रेट में आएगा जो 20% का है, तो कुल मिला के 11 लाख जो है आपका टैक्सेशन का जो है पेमेंट पड़ता है। तो इंडेक्सेशन क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है होम बायर के लिए समझने के। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो, और निश्चित तौर पर रियल एस्टेट इंडस्ट्री मांग कर रही थी, सरकार ने हालांकि सुझाव भी लिए और उसके बाद एक कदम पीछे हटकर कहा कि नहीं ठीक है जो डिमांड्स हैं उसको हम पूरा करते हैं और दो विकल्प देने का प्रस्ताव दिया है फाइनेंस बिल में संशोधन के जरिए। चलिए अब बाजार मंथन में बस 5 मिनट का समय रह गया, फटाफट कुछ BTST ट्रेड समझ लेते हैं। शिवांगी आप बताइए, कोई सौदा आपको नजर आ रहा है जिसको लेकर जाएं कल के लिए? ठीक है, शिवांगी हमारे साथ नहीं है। जतिन आप बताइए, कोई ट्रेड BTST के लिहाज से? बलरामपुर चीनी में बाय करके चला जा सकता है, हमें लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट आज मिल रहा है। एक हफ्ता आई थिंक 5 to 7 ट्रेडिंग सेशंस का एक कंसोलिडेशन था और आज एक डिसाइसिव अप मूव देखने मिला है। हमें लगता है कि मोमेंटम कल भी जारी रहना चाहिए। इसके लिए 487 के स्टॉप लॉस से BTST लॉन्ग किया जा सकता है और ऊपर में टारगेट रहेंगे 499 और 504 के। नहीं, 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है 492 रुपए के आसपास के भाव पर ये शेयर। विभोर आपकी तरफ से कोई ट्रेड? मेरे हिसाब से आज एक नेलकास्ट में एक अच्छा खासा मूव आ रहा है,
अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक ये 140 के लेवल्स के आसपास जब आता है, 140-135 के आसपास, तो एक अच्छा खासा बाउंस दिया है। प्लस अगर आप कल के वॉल्यूम देखेंगे तो कल के वॉल्यूम बने होते कुछ 45,000 के आसपास, आज कुछ 2 लाख का वॉल्यूम है। तो अगर कोई चाहे तो नेलकास्ट को BTST या 2 दिन के लिए होल्ड कर सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 10 पॉइंट का, 137 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। कास्ट इसमें BTST करने की सलाह है। जतिन एक बार जरा फटाफट जरा BHEL को चेक कर लीजिए, फिर से 300 रुपए के ऊपर आ गया है। और आज हम देख रहे हैं कि कमिंस के नतीजों ने ना बाकी जो कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स हैं उनका भी फ्लेवर चेंज कर दिया है। BHEL भी चल रहा है, ABB में हम तेजी देख रहे हैं। BHEL बताइए, यहां से ट्रेड लेकर जाना चाहिए क्या? देखिए BHEL में ओवरऑल 85-87 का जो सपोर्ट जोन है वहां पे उसका 20 वीक एवरेज था, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो होल्ड किया है, तो आने वाले दिनों में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हो सकता है और फ्रेश बाइंग भी हो सकता है, जो ये स्टॉक को अराउंड 315-318 तक लेके जा सकता है। तो डेफिनेटली अगर जो कोई वैल्यू पिक बाय करना चाहता है और अगर जो कल के लिए भी BTST भी करना चाहता है तो लॉन्ग किया जा सकता है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस BTST के लिए 300 रुपये का रहेगा और पोजिशनली होल्ड करना है तो 290 का स्टॉप लॉस रखें। वेरी मच, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। विभोर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी आप बने रहिएगा, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर देख के जाइएगा, उसके बाद हम फिर मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। जतिन भाई आपका तरफ से कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर? आज जो भी स्टॉक्स हमने बातचीत की है उसमें मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है, हमने हमारे क्लाइंट्स को शायद रेकमेंड किया हुआ होता है, सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एक्टिंग ऑन एनी सजेशन। ठीक है, अब विभोर जी आपकी तरफ से कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर? हम लोगों ने आज एक या दो स्टॉक्स ही डिस्कस करे हैं, जैसे मैंने नेलकास्ट वगैरह दिया, उसमें मेरा या मेरे किसी भी क्लाइंट्स का कोई भी पर्सनल होल्डिंग्स वगैरह नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और सीधा ही एक मिनट के बाद आपको क्लोजिंग मिल जाएगी। तो मार्केट की आज की क्लोजिंग के दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लर्निंग्स क्या हैं। पहला पॉइंट, आज अच्छे नोट पे बंद हो रहे हैं, आज वो फीलिंग नहीं आ रही होगी कि आप ऊपर गए थे उसके बाद आप नीचे आ गए, तो आज मार्केट ने वो लेवल का ब्रेक कर दिया। दूसरा, रिपेयर करना शुरू कर दिया, जो डैमेज हुआ उसको रिपेयर करना शुरू कर दिया। पहला रिपेयर निफ्टी के लेवल से हुआ। निफ्टी के लेवल्स कैसे हुए? 300 पॉइंट ऊपर बंद करके उसने 24,200 नहीं बल्कि 24,350 के क्लोज किया। कल छोटा भी गैप मिल गया आपका काम बन जाएगा, तो आपकी कवरिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। कल पॉलिसी का इम्पैक्ट भी साथ में लग जाएगा, अगर वहाँ से बहुत कुछ अच्छा आ गया तो। दूसरा पॉइंट, अच्छा और क्या हुआ, ज़्यादातर लीडर्स का आज पार्टिसिपेशन ना हुआ। आज ऐसा नहीं था कि एक शेयर मुँह सुझा के इधर बैठा है, दूसरा शेयर इधर मुँह सुझा के बैठा है, ऐसा कुछ नहीं है। आज सिर्फ HUL को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर शेयर आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अच्छी मार्केट के अंदर हुई है आज, वो ये है कि आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत अच्छा आया है, ज़्यादातर शेयरों ने पार्टिसिपेशन दिया है। इसका मतलब मार्केट की ब्रेथ ठीक हुई है और ब्रेथ ठीक होने से सपोर्ट ठीक होती है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के पास आज जो एक्सपायरी वाला इंपैक्ट है वो डैमेज की तरफ ना शिफ्ट होते हुए वो पॉजिटिव शिफ्ट हुआ, या चौथी इंपॉर्टेंट बात हुई। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, ग्लोबल मार्केट्स में अभी तक कोई सेल ऑफ नहीं दिखने को मिल रहा, वो ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट इस समय ठीक बंद हुए हैं। शाम को क्या हो जाए एक अलग मामला है, अभी तक ग्लोबल मार्केट्स में यूरोपियन बाजार जो चल रहा है, टिपिकली सभी बाजार 1-1.5% ऊपर हैं। तो ये पांचवी इंपॉर्टेंट बात है जो बाजार के अंदर आई है। छठी इंपॉर्टेंट बात कि डिफेंसिव थोड़े पीछे हटे, एग्रेसिव थोड़े आगे आए, तो वो चीज़ भी आज मेरे को मार्केट के अंदर नोटिस हुई है, तो ये चीज़ भी आपके ध्यान देने वाली बात है। ये कैसे आपको दिखा, ये आप देखो बैंक, आप चेक करो रेलवे काउंटर्स, आप चेक करो सरकारी कंपनी जिन्होंने कल ही ग्रीन शूज दिखाना शुरू कर दिया। और आज इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल HUL है, HUL थोड़ा पीछे हटा, डिफेंसिव स्टॉक्स थोड़े पीछे हटे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं। मैंने आपको इस क्लोजिंग के अंदर 6 मेजर पॉइंट बता दिए जो आज मार्केट के अंदर अच्छा है। बुरी बात भी बताते हुए चला जाता हूँ मैं आपको, मार्केट के अंदर जो पुल बैक आ रहा है ना वो उस टेंडेंसी उस स्पीड का नहीं आ रहा जिस स्पीड का आना चाहिए, ये कंसर्न भी है। ठीक, दूसरा पॉइंट जो कंसर्न का बताता हूँ, अर्निंग्स का मेजोरिटी हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं हम, आज 7 तारीख पे पहुंच गए, 10 या 15 तारीख तक अर्निंग्स आएंगी। मेजर प्लेयर है नहीं निफ्टी के, ऑलमोस्ट 80-90% नंबर्स आ चुके हैं, तो अर्निंग्स का पुश मार्केट के पास एब्सेंट है। आपको
मार्केट ढूंढने होंगे और फिर से आप ग्लोबल की डिपेंडेंस पे आ जाओगे और ग्लोबल मार्केट कितनी स्पीड से रिकवर करता है ये भी पता नहीं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप मार्केट के अंदर नोटिस कीजिए। तो मैंने चलते चलते में ही आपको करीब 7-8-10 पॉइंट मोटा मोटी नोटिस करवा दी हैं एंड आई होप कि आपको हमारी कवरेज काफ़ी अच्छी लगती होगी और हम उम्मीद करते हैं कि और अच्छे एक्सपर्ट्स आपके सामने लेके आए, अच्छे ट्रेड लेके आए और जो आपके सामने हम बात रख रहे हैं ना उसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में रखें ताकि लिखतम और वक्तम दोनों होता जाए। तो दोनों मेहमानों का मैंने शुक्रिया कर दिया। मेरे को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम कल की तैयारी है, उसका आप आनंद लीजिए और उसके बाद फिर कल आपसे वापस मुलाकात होती है। नमस्कार।